हे गाइस, मैं हूं नंदिनी एंड वेलकम टू माय चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं आशा करती हूं कि आप लोगों की नवरात्रि, दशहरा और आने वाला हर त्यौहार बहुत ही अच्छा और पॉजिटिव जाए। सो आज का वीडियो है मेरा व्लॉग, और थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगी कि आप पूजा के रूम को डेकोरेट कैसे कर सकते हैं इजीली, बहुत ही कम प्राइस में। उसके लिए आपको क्या चाहिए? ये मेरा एक्चुअली पूजा का रूम है। एक्चुअली मैं यहाँ पर ही अपने भगवान जी को रखती हूँ, तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना, दिन भी अच्छा है तो क्यों ना इसका थोड़ा मेकओवर किया जाए। तो उसके लिए ना मैंने यहाँ पर लिए हैं आर्टिफिशियल फ्लावर्स, आप ये देख सकते हैं, रेड एंड येलो कलर के कॉम्बिनेशन में मैंने लिए हैं। और एक मेरे पास ना रॉड है यहाँ पर, मतलब यहाँ पे एक रॉड लगी हुई है, तो उसके ऊपर मैंने उसे डेकोरेट कर दिया है। इसके बाद मैं यहाँ पर ले रही हूँ ये तोरण, जिसमें कि ना गणेश जी बने हुए हैं। आप देख सकते हैं बीच में गणेश जी हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं सर्कल्स के नीचे घंटियाँ लगी हुई हैं। तो ये बिल्कुल परफेक्ट था मेरे पूजा रूम के लिए। तो ये मैंने लिया है, और उसको मैंने आप देख सकते हैं माला की तरह ना बीच में कलावे से बांध के लगा दिया है। इसके बाद मैं यहाँ पर ले रही हूँ ये गेंदे के फूलों की आर्टिफिशियल माला, क्योंकि देखिए अगर आप ओरिजिनल लगाएंगे तो वो बार बार, मतलब वो सूखेंगे, बार बार आपको हटाना पड़ेगा। तो इसलिए बेटर है कि आप ना आर्टिफिशियल डेकोरेट करना हो तो आप आर्टिफिशियल लगाइए, और अदरवाइज़ पूजा करने के लिए तो ऑब्वियसली जो ओरिजिनल होते हैं वही फूल लगते हैं। और ये बार बार जो है ना, मेरा गेट बार बार आगे पीछे हो रहा था, तो मैं इसे बार बार ठीक कर रही थी। और अब मैं कर रही हूँ पूजा, मेरी जो डेकोरेशन है वो कंप्लीट हो गई है। मैं आपको अभी दिखाऊंगी पूजा करने के बाद। ये देखिए, लग रहा है ना ब्यूटीफुल। ये मैंने सिंपल कुछ नहीं, ये मोर मेरे पहले से लगाए हुए थे, मोर के स्टिकर्स हैं जो मैंने पहले से लगाए हुए हैं। ये मेरे भगवान जी हैं, इनको मैंने सिंपल डेकोरेशन की है, बहुत ज़्यादा नहीं किया है। ये आप देख सकते हैं, मैंने बहुत ज़्यादा नहीं किया है, सिंपल सोबर किया है और बहुत ही ईजी वे में किया है। और आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत ये लग रहा है। मुझे तो एक्चुअली बहुत अच्छा लग रहा था, आप बताइएगा आपको कैसे लगा। अच्छा, इसके बाद अब मैं जा रही हूँ अपने लिए आलू उबालने, क्योंकि आज मेरा फास्ट था। तो और फास्ट में मैं दिन में आलू खाती हूँ नॉर्मल, बस सेंधा नमक और जीरे घी का छोंक लगा के, और वो मैं दिन में खाऊंगी। एंड इसके बाद बस डायरेक्ट फिर उसके बाद रात। हाय आदि, हाय आदि, से हाय टू एवरीवन, हाय एवरीवन। आज हमारा आदि भी स्कूल से आ गया है जल्दी, ताकि आज इसका फर्स्ट एग्जाम था, मतलब लाइफ का फर्स्ट एग्जाम था, है ना आदि? आज और आदि आज जल्दी आ गया है। आदि वैसे ही आता है 12 सुबह 12 बजे, बट आज 11 बजे आ गया है स्कूल से। और ये टीका मैंने इसको लगाया था, इसका देखो उसने कितना फैला दिया है। ओके, तो मैंने ये देखिए मेरे आलू भी बनकर तैयार हो गए हैं, बस अब मैं इन्हें खाऊंगी और उसके बाद थोड़ा रेस्ट करूंगी, क्योंकि बाकी सबका खाना मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ। आज सुबह जब बहुत जल्दी उठ गई थी, तो उसके बाद जो है डायरेक्ट वहाँ तब से लगी हुई हूँ, तो मेरे को बहुत थकान हो रही है। और हाँ, ये देखिए इतने में खाती तो इतने ये आ गया ऑर्डर, जो हमने आधी के लिए ऑर्डर किया था, स्टडी टेबल और चेयर। तो मैंने प्लेट रख दी, मैंने कहा चलो बाद में खाऊंगी, क्योंकि अभी स्टार्ट नहीं किया था। अगर स्टार्ट कर दिया होता तो खाना ही पड़ता, तो स्टार्ट नहीं किया था तो फिर मैंने रख दिया। पहले हम ये टेबल वगैरह खोलने लगे, सो दैट कि हम उसका जो आदि का एक्सप्रेशन है वो कैप्चर कर सकें। कैसा लगा आदि? कैसा लगा? ये क्या है आदि? व्हाट इज दिस? ये क्या है? चेयर है? ओके, यू लाइक इट? ओके, and this, what is this? आप पढ़ाई करोगे? ये तो नहीं। What is this? Strawberry. And this? Mango. This? Apple. This? Banana. This? Pineapple. ओके गाइस, सो आई होप आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई हो। कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरा डेकोरेशन कैसा लगा, और पसंद आई हो वीडियो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे एक और नए वीडियो के साथ। टेक केयर।